हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। और आज का जो वीडियो है वो है एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। और आज के वीडियो में ना मैं बीए प्रोग्राम की सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट जो कि आ चुकी है, जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं जुलाई में, वो मैं पूरी की पूरी डेट शीट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर सब जगह अवेलेबल हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं मुझे वहाँ भी। देखिए, ये जो डेट शीट है ये स्पेशली मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों की जो सोल से बीए प्रोग्राम का कोर्स कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की। देखिए, बड़े ध्यान से समझना सारी की सारी चीज़। सबसे पहली चीज़, आपका जो पहला पेपर है ना वो 22 जुलाई को है, ठीक है। 22 जुलाई को आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आपकी जो एंडिंग डेट है वो है 12 अगस्त। तो 22 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक आपका पूरा की पूरा ये डेट शीट चलने वाला है। आप समझते हैं कि आखिर ये डेट शीट आपके लिए काम कैसे करेगी, कौन सा पेपर कब है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डेट शीट में जाने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, आपको जो अपने पेपर देने हैं ना वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही देने हैं। अब कैसे होगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ये आप ध्यान से समझिए। देखो, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज़ आपके पास इकोनॉमिक्स भी है और आपके पास एजुकेशन भी है, ये दोनों सब्जेक्ट आपके पास कॉम्बिनेशन है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का मतलब है अब ई, दोनों में ई आता है और ई के बाद आ रहा है, एक में आ रहा है सी, एक में आ रहा है डी, यानी कि ई सी मतलब कि इकोनॉमिक्स का पेपर आपको देना है पहले और ई डी मतलब एजुकेशन का पेपर देना है आपको बाद में। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पर, पहला पेपर आपको 22 जुलाई को है, जिनके पास इकोनॉमिक्स भी है और एजुकेशन भी है तो उनको इकोनॉमिक्स का पेपर तो देना है 22 तारीख को। अब 22 तारीख को भी आप देख पाएंगे दो शेड्यूल हैं, एक सुबह की शिफ्ट है और एक इवनिंग की शिफ्ट है। अब आप ये चीज़ सोचकर कंफ्यूज मत होना कि मुझे इवनिंग में जाना है कि मुझे मॉर्निंग में जाना है। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पर ये चीज़ साफ साफ मेंशन होगी कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट है या आपका इवनिंग शिफ्ट है। तो सबसे पहला पेपर आपका 22 जुलाई को है, ये है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स ए टू नॉन मेजर। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। अब क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इकोनॉमिक्स का पेपर आप पहले देंगे और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप बाद में देंगे, जो मैं अभी नीचे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला पेपर हमारा हो गया 22 जुलाई को, जो है डीएससी ए टू नॉन मेजर सब्जेक्ट्स का। उसके बाद आपका आता है 23 जुलाई को एबिलिटी एनहांसमेंट्स कोर्स का पेपर होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट इसमें चूज कर रहा होगा। पेपर का टाइमिंग है 9 से 11:30 या 2:30 से 5, यानी कि एईसी कोर्स का जो आपका पेपर है ना वो 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सारा एईसी के आपके जो भी सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करे हैं। उसके बाद डीएससी बी टू नॉन मेजर, अगेन देखिए ये पेपर है आपका 29 जुलाई को। जैसा मैं पहले समझा चुका हूँ, आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अपना पेपर चूज़ करना है कब आपका पेपर है, और 29 जुलाई को भी जो आपका पेपर है ना वो दो शिफ्ट में होगा, 9 से 12 और 2:30 से 5:30। उसके बाद फर्दर अगर आगे चलते हैं तो एसईसी स्किल एनहांसमेंट कोर्स का आपका पेपर होगा 30 जुलाई को, जिसका टाइमिंग भी 2 घंटे का है, ठीक है। फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन या रंगमंच, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स वापस डिसिप्लिन ए और बी, 5 अगस्त को आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद वैक में चलें तो आपका वैक का पेपर है 6 अगस्त को, ये 2.5 घंटे का पेपर है आपका वैलिडिटी कोर्स का, रीडिंग इंडियन फिक्शन एंड इंग्लिश एंड उसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वैक में जो आपने चूज़ किया होगा। जी में बात करें तो आपका पेपर है 12 अगस्त को, ये आपका आखिरी पेपर है 12 अगस्त को। तो इस तरीके से आपका 22 जुलाई को स्टार्ट होकर पेपर आपका 12 अगस्त को ये बीए प्रोग्राम का एग्ज़ाम ख़त्म होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप डेट शीट अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि मेरा पहला पेपर कब है और मेरा नेक्स्ट पेपर कब होगा या आखिरी पेपर मेरा कब होगा। पूरी की पूरी डेट शीट आप अपने पेपर पे अपने पास लिख लीजिए। और ये वीडियो स्पेशली सोल के बच्चों के लिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए, सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का है। तो डेट शीट मैंने आपको बता दी, 22 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। डेट शीट अगर समझ में नहीं आई हो तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे वीडियो के अंदर, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल बेल के नोटिफिकेशन के साथ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय।